जी जी बिल्कुल रिजान तमने पूछा मांगी जी आज सवाल के मोदी सुशासन ने बात करे छे परंतु हाल दीपेश अभिषेक ना अपनुत्व ने जो बनाव छे तेने लेने परिवारजनों ने हजु पण न्याय नथी अपावी शक्या शुं कहो ये तो स्वाभाविक बात है बधाने खबर है साहेबे जम कहू नोन फेक्ट है आटला बदा रीजन्स आप देर इज अ वेरी पॉलिटिकल थिंग बिहाइंडेड अगर आज आशाराम बापू ने आटला बदा वी कैन मैनेज बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स ना तो इफ वी थिंक ऑफ लेटर से अगर अत्य आज भी आप कहे कि मोटा मणसों ने पुलिस पकड़ती नहीं पर अगर शाइनी आहूजा केस लिए तो पुलिस ने पकड़ी लीधो तो एट्ले कमिंग बेक टू आशाराम पुलिस एट्ले नहीं पकड़ी बिकॉज ऑफ इज पॉलिटिकल पेट्रोनेज बिकॉज ऑफ द वोट्स ही इज कैरिंग एंड बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल पार्टी सपोर्टिंग हिम एट्ले इट्स अ बहु नेचुरल बात है बेन के अगर तुम लेटर से आज हम कंपेरिजन तब करो तो कहो कि भाई राजस्थान इज अ कांग्रेस गवर्नमेंट गुजरात इज अ बीजेपी गवर्नमेंट एटले त्यानी गवर्नमेंटे पकड़ी ना गवर्नमेंट ना पकड़ी पर तो स्वाभाविक बात है इट्स अ वेरी कॉमन सेंस एंड एवरीबडी नोज अबाउट इट एटले कमिंग बेक टू अत्यारे पॉइंट एटले आप कही छे कि आज अगर साहब कहे कि आज अगर पकड़ाया है बिकॉज ऑफ दिस पब्लिक एक्टिविजम मैंने बी का पगली पब्लिक एक्टिविजम भी लगी रही है कारण की एवरी टाइम आपने एवं केवी डेमोक्रेसी में छे अपने एवं केव कॉन्स्टिट्यूशन है कि एवरी टाइम आप पब्लिक एक्टिविजम करी है तरह ज कई न्याय मिले तेरे कई स्टेप लेवा न्याय तो जी आगल की बात है तो सो दिस इज समथिंग विच इज वेरी फियरिंग फॉर एनी कॉमन सिटीजन लाइक मी स्टेइंग इन इंडिया और अमा बहुत फियरफुल है मैंने हमें एक बीजी भी बीक है जोक्स नहीं मारवा मांगती पर मैंने ये बीक है कि काल उठी एना सपोर्टर कहते कि आप नवो ला लाइए सीनियर सिटीजन लॉ कि जब आप ड्यू लाइन लॉ नहीं एवं सीनियर सिटीजन लॉ के लोग ने बदा जातने प्रोटेक्शन मिले एट मैंने आने भी बीक है कि आना सपोर्टर तो यू भी कर सके एट्ले कमिंग बेक टू वॉट आई एम ट्राई टू टेल कि लेट अस आई मीन आई वुड रादर रिक्वेस्ट आवर 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 शू कहवा आवर डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटिशियंस की प्लीज डोंट मेक अ जोक आउट ऑफ ऑल दिस थिंग्स एंड एटलीस्ट सी कि बधु ना थाय ना आई टाइप ना लॉज मिसयूज ना थाय जी जी रुजाने ये पूछवा मांगे कि आसारा में एम कहूं कि जेल तो मारा मैं वैकुंठ है तो शू आसारा में वैकुंठ जवा समय आ गया है वैकुंठ इतने सॉरी वोट इज वैकुंठ जी स्वर्ग वैकुंठ है મને એમને એવું કહ્યું હતું આઈ ડાઉટ દેટ કારણ કે અત્યારે તો એક તો સ્ટેટમેન્ટ એમને આવ્યું કે વૈકુંઠ એટલે મારે જેલ તે મારા માટે હું અભય જઈશ ને હું એવું જાન ત્યાગ અરે બોડી ત્યાગી દઈશ એવું બધું એટલું એટલે આઈ ડોન્ટ થિંક સો એવા સ્ટેટમેન્ટ માર્યા હોય પણ એને માર્યા હોય તો એ તો અમે કઈક વાર કઈક બોલે છે ને કઈક વાર કઈક બોલે છે હવે એમના પેલા એમના સન બોલી દેશે કે એ તો પેલું કઈક ન્યુરોલોજીકલ કે ડિસઓર્ડર છે અને પછી એમને એક શોર્ટ ટ્રીટમેન્ટ આપી તો બધું ઠીક બીજાને કહેવા માંગીશ કે આ પહેલા એમને જણાવ્યું હતું કે જેલ તો મારા માટે વૈકુંઠ બરાબર છે ત્યાર પછી તમે એવું કહ્યું હતું કે જ્યાં જઈશ તો હું અપવિત્ર થઈ જઈશ આ બંનેમાં ઘણો તફાવત છે એટલે ઈ સીન વિથ ઇઝ કોન્ટ્રાડિક્ટિંગ પણ હવે અત્યારે કહેવાય એ મેડિકલ કેસ રાઈટ ના કહું મેં તમને કે ઇઝ અ ન્યુરોલોજિકલ ડિસઓર્ડર કંઈક સરસ ઇન્ટરનેટ પરથી નામ એ લોકો શોધી લાયા હતા એમના માટે મને નથી ખબર કઈ ડિઝીઝ નામ હતું એટલે જ કહું કે આ બધી ચીજને એક જ ઇલાજ છે શોક ટ્રીટમેન્ટ જેટલા શોક ટ્રીટમેન્ટ મળશે બધું આપ ટપ 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 યાદ આવી જશે જી બિલકુલ આજે સવાલ ખબર ગઈ તમને પૂછવા માંગીશ તમે